नमस्कार, सीक्रेट मिस्ट्रीज में आपका स्वागत है। हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। श्री कृष्ण ने महाभारत काल में ही बता दी थी कलयुग की यह 5 कड़वी सच्चाइयां। सच हो रही है वो बातें, जरूर देखिए। महाभारत के समय की बात है, पांचों पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कलयुग के बारे में चर्चा की और कलयुग के बारे में विस्तार से पूछा और जानने की इच्छा जाहिर की कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, उसके विचार कैसे होंगे और उसे मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम पांचों भाई वन में जाओ और जो कुछ भी दिखे वह आकर मुझे बताओ, मैं तुम्हें उसका प्रभाव बताऊंगा। पांचों भाई वन में गए। युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि किसी हाथी की 2 सूंड हैं। यह देखकर आश्चर्य का पार न रहा। अर्जुन दूसरी दिशा में गए, वहां उन्होंने देखा कि कोई पक्षी है, उसके पंखों पर वैद की रुचाएं लिखी हुई है, पर वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है, यह भी आश्चर्य है। भीम ने तीसरा आश्चर्य देखा कि गाय ने बछड़े को जन्म दिया है और बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहू लुहान हो जाता है। सहदेव ने चौथा आश्चर्य देखा कि 6-7 कुएं हैं और आसपास के कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है, बीच का कुआं गहरा है फिर भी पानी नहीं है। पांचवें भाई नकुल ने भी एक अद्भुत आश्चर्य देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी शिला लुढ़कती लुढ़कती आती है और कितने ही वृक्षों से टकराती है, पर उन वृक्षों के तने उसे रोक न सके। कितनी ही अन्य शिलाओं के साथ टकराई पर वह भी रोक न सकी। अंत में एक अत्यंत छोटे से पौधे का स्पर्श होते ही वह स्थिर हो गई। पांचों भाइयों के आश्चर्यों का कोई पार नहीं था। शाम को वे श्री कृष्ण के पास गए और अपने अलग अलग दृश्यों का वर्णन किया। युधिष्ठिर कहते हैं, मैंने 2 सूंड वाला हाथी देखा तो मेरे आश्चर्य का कोई पार न रहा। तब श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, ऐसे लोगों का राज होगा, इससे तुम पहले राज कर लो। अर्जुन ने आश्चर्य देखा कि पक्षी के पंखों पर वैद की रुचाई लिखी हुई है और पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। संस्था के व्यक्ति विचारेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम को हो जाए। हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठकर विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध है। चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे किंतु उनकी दृष्टि तो धन के ऊपर ही रहेगी। ऐसे लोगों की बहुतायत होगी जो परधन को हरने और छीनने को आतुर होंगे, और कोई कोई विरला ही संत पुरुष होगा। भीम ने तीसरा आश्चर्य देखा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़ा लहू लुहान हो जाता है। कलयुग का आदमी शिशुपाल हो जाएगा, बालकों के लिए इतनी ममता करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं हैं, वे तो बहुओं की अमानत हैं, लड़कियां जमाइयों की अमानत है, और तुम्हारा यह शरीर मृत्यु की अमानत है और तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। सहदेव ने चौथा आश्चर्य यह देखा कि 5-7 भरे कुएं के बीच का कुआं एकदम खाली था। कलयुग में धनाधय लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सव में तो लाखों रुपया खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में यदि भूखा प्यासा कोई होगा वह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। दूसरी ओर मौज मौज में शराब कबाब फैशन या व्यसन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि न होगी, और जिनकी रुचि होगी उन पर कलयुग का प्रभाव नहीं होगा, उन पर भगवान का प्रभाव होगा। पांचवा आश्चर्य यह था कि एक बड़ी चट्टान पहाड़ से लुढ़की
वृक्षों के तने और चट्टाने उसे रोक न पाए, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराते ही वह चट्टान रुक गई। कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, न ही सत्ता के वृक्ष से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे पौधे से रुकेगा। हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन पतन होना रुक जाएगा। तो ये थी वो पांच कड़वी सच्चाइयां जो भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में पांचों पांडवों को बताई थी। जय श्री कृष्ण। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई, और प्लीज़ 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 इस वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली नई वीडियोज़ को भी आप इन्जॉय कर पाए। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।